दोस्तों ये अर्ली 90s का स्ट्रक्चर आप 2021 में देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। वाह क्या बात है। ठीक है, मैं लास्ट टाइम की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें पानी की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खलील सुंबल और आप देख रहे हैं द केवीज चैनल। दोस्तों हमारा आज का व्लॉग है पंजाब का देसी कल्चर और पंजाब विलेज एंड रूरल लाइफ। तो इस हवाले से आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह देसी माहौल में पुराने दौर में अपने फसलात आपपाशी की जाती थी। तो ये अभी बैल को लेके चले हैं अजीज साहब अपनी राहत में, ये उसको जोतेंगे और उसके बाद आपको हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए किस तरह पुराने दौर में एग्रीकल्चर की जाती थी और इरिगेशन की जाती थी या आपपाशी की जाती थी और अपनी फसलों को पानी दिया जाता था। रहट एक देसी जो स्ट्रक्चर होता है, ये कल्चर अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो हमने ये सोचा कि दोस्तों के लिए YouTube पर इस वीडियो को डाल दिया जाए ताकि ये एक याद बाकी रहे पुराने दौर के पंजाब की और पुराने कल्चर की। अभी ये देखिए ये बैल को जोतेंगे ये राहट में और ये है जनाब रेडी। और इस दौरान मैं आपको दिखा दूं ये इस कल्चर को। ये देखिए आज तो पानी बिल्कुल कम है और सतह ज़मीन भी नज़र आने लगी है। ये देखिए अभी इसको ये जोतेंगे इसको। ये देखिए ये बिल्कुल दोस्तों जनाब जोत दिया है और उसके बाद इसको चलाएंगे और वर्किंग पोजीशन में इसको लाएंगे। और ये देखिए आप देख रहे हैं ये सब्जियां जो उगाई गई हैं ये इसी राहट और ये बैल का बिल्कुल एक जिस तरह आप कह सकते हैं कि आउटकम है उसी वजह से ये आपपाशी मुमकिन हो पाई है। तो आपका कोई यहाँ पर फ्यूल खर्च नहीं होता, कोई पैसे आपके खर्च नहीं होते, बस वही पैसे खर्च होते हैं जो आप इस बैल की खुराक पे इन्वेस्ट करते हैं, बाकी और कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। तो बहुत ही ऑर्गेनिक कल्चर, ऑर्गेनिक माहौल। और ये देखिए किसान जोते हुए और आँखों पर बैल के एक स्ट्रक्चर डाला जाता है। अजीज़ इसको क्या आधे में खोपा दोस्तों, इसे मकामी जबान में जो बैल की आंखों पर लगाया जा रहा है इसे खोपा बोलते हैं। और आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप अपनी मकामी जबान में इसे आप या आपके बुज़ुर्ग या आपके जो पुराने दौर के फार्मर्स हैं वो इसे क्या कहते थे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी ठीक है, ठीक हो गया दोस्तों। ये देखिए अब ये चलने लगा है। ये वीडियो हमारी आज के लिए खसूसन सिख भाइयों के लिए और पंजाब के कल्चर के लिए, जो पंजाब के कल्चर को देसी कल्चर को पसंद करते हैं ये उनके लिए हम कैप्चर कर रहे हैं। तो ये देखिए कुएं से निकलता हुआ फ्रेश स्वीट वाटर बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए दोस्तों अच्छा कितना दौर पुराना है? कैचुए कितना अरसा पहले तो डारे बाबे बना गया उधर? ये सारा पकाड़ा बना गया। ओए होए होए इजाज है तकरीबन ये नबी दी लुक्मान हकीम। ओए होए होए अरे
ये देखिए दोस्तों, इरिगेशन का पुराना पर्शियन व्हील का एक मॉडल और वर्किंग पोजीशन में है ये मॉडल, जो कि आज के दौर में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलता। बहुत ही कम जगह हैं जहां पर ये आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, और वो भी बस एक याद के तौर पर इसको महफूज किया गया है, वरना देखा जाए तो आज के दौर में इसकी कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन या ज़रूरत बाकी नहीं रही। तो ये जो हमारे अंकल हैं, ये एक शॉप भी कर रखा हुआ है, बनाई के हम पास गए मॉडर्न इरीगेशन है। बैल को देखिए किस तरह सिधाया गया है, वो अपने ट्रैक पर बहुत ही ज़बरदस्त और तेज़ी से चलता हुआ, और उसे पता है कि ये स्ट्रक्चर बनाया गया है और इसको हमने ही चलाना है। तो बगैर किसी मालिक की ये कहते हैं कि जिस तरह इंस्ट्रक्शन के ये दौड़ रहा है और अपने काम में जुटा हुआ है। कोलू उसके बैल की तरह, जिस तरह आप एक मिसाल सुना करते थे, ये बिल्कुल उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ये देखिए दोस्तों, कुएं का नीचे का मंजर अगर आपको दिखाई दे सके तो, और आज जो है ना पानी की मकदार कुएं में बहुत ही कम है। लास्ट टाइम की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें पानी की सतह बहुत बुलंद थी इस कुएं में, आज उतनी मकदार नहीं है। शायद सर्दियों की वजह से जेर ज़मीन पानी वो कम हो जाता है, शायद इसी वजह से ये कम है, और गर्मियों में इस पानी की मकदार ज़्यादा हो जाती है, ये कहना है इस मालिक का। नहीं, एक गर्मी को गर्म पानी, ये देखिए दोस्तों जी, पानी निकलता हुआ कुएं से बहुत ज़बरदस्त। वाह क्या बात है, पानी का शोर से सकते हैं देखते हैं, और शोर पानी का इस तरह है जैसे झरने से बहता हुआ पानी और कानों में रस घोलता हुआ, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त माहौल है दोस्तों पानी का। और आइए अब आपको आगे का मंजर दिखाते हैं। दोस्तों ये अर्ली 90s का स्ट्रक्चर आप 2021 में देख रहे हैं, है ना कमाल की बात। दोस्तों ये सामने आप देख सकते हैं, ये गंदम की फसल, ये इसी राहट से इसका इसको पानी लगाया जाता है, और ये तमाम शुरू से लेकर ये गंदम बिजाई से लेकर कटाई तक इसी राहट की वजह से मुमकिन हो पाई है। और ये देखिए दोस्तों, होप सो कि हमारी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमें मज़ीद इस तरह की वीडियो अपलोड करनी चाहिए, या आप किसी और तरह की वीडियोस को पसंद करते हैं, और साथ में थम्स अप दीजिए हमारी वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए आप हमारे चैनल को, और घंटी के बटन को भी आप ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको टाइमली प्रॉपरली और रेगुलरली मिलती रहे। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। अगर इधर दूसरा अंग्रेज आ उन्हें खुशी को मर गए काम क्या था, जवाब अरे।
बस बस पानी पी भी सकते हैं। पानी पी